Hello, my dear students, welcome to RS Study Point. देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं. उसमें कल हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 2.2. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 3. आज हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. एक आकृति बनी हुई है, एक कह रहे हैं चित्र बना हुआ है 5, 6, 7. दूसरे में अवयव है आपके 3, 4, 5. इसका ऐसे संबंध है, इसका ऐसे, इसका ऐसे. इसका नाम है P, इसका नाम है Q. अब इसे लिख रहे हैं आकृति 2.7. पी व क्यू का एक संबंध दर्शाती है. इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप में. तो इसका रिलेशन क्या बन रहा है बेटा, बता सकते हैं आप? सिंपल है, एक्स और वाई में जो संबंध है वो क्या है, जो वाई है ये वाला पद जो है वो इससे 2 कम है लग रहा है. देखो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो सही हो गया ना. अब जो एक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5, 6, 7. ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है. दोबारा देखें, एक्स और वाई में क्या संबंध है, जो वाई है वो एक्स से 2 कम है. क्यों, 5 रखेंगे तो 3, 6 रखेंगे 4, 7 रखेंगे 5. ये कंडीशन है. आगे इसका कोष्टक रूप में ये कह रहे हैं, रोस्टर रूप या कोष्टक रूप, तो बहुत ही सिंपल है. कोष्टक रूप क्या होगा, देखिए 5 जब था तब 3 वैल्यू आई है, और जब 6 था तब 4 वैल्यू आई है, और जब 7 था तो कौन सी वैल्यू आई है, ये आपका सेकंड पार्ट का, ये रोस्टर रूप, रोस्टर यानी कोष्टक. ठीक, अब इसका प्रांत पूछा है. प्रांत क्या होगा, इसमें प्रांत था परिसर. तो प्रांत पहले वाले जो अवयव होते हैं वो आपके प्रांत कहलाते हैं, 5, 6, 7. ठीक है, परिसर क्या होगा, परिसर यानी दूसरे अवयव 3, 4 और 5. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. इसमें ये रोस्टर वो आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ये आपका रोस्टर रूप हो गया, ये प्रांत, ये परिसर. क्लियर हो गया होगा. ये देखना है यहाँ पर क्या डिफरेंस चला था. यहाँ 5 था तब यहाँ 3 था, इसका मतलब इसमें से 2 माइनस हो रहा है. 6 में से 4 गया तब 2 माइनस हो रहा है. तो कंडीशन हो गई y बराबर x माइनस 2. x 5, 6, 7 तक ही है. ठीक है, अब ये कोष्टक रूप यानी रोस्टर रूप या कोष्टक एक ही बात है, 5, 3, 6, 4, 7, 5. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आगे देखते हैं. देखिए बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, व्हाइट बोर्ड पर वीडियो गड़बड़ हो जाती है, क्यों दिखाई नहीं देती, इसमें हमें दिखाई देता रहता है, इसलिए क्लियर आता है, इसलिए हम इस पर नोट करते हैं. ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए व्हाइट बोर्ड हो या कैसे भी. 5वां क्वेश्चन है. देखो 5 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ए बराबर समुच्चय में दे रहा है 1, 2, 3, 4, 6. ठीक है, मान लीजिए R यानी जो रिलेशन है वो जो रिलेशन बनेगा A का B से या X का Y से, और A जो B, A B दोनों बिलोंग करेंगे A में, और इनका कहना है कि संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है. मीन्स B अपॉन A पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा. ये चीज़ इसमें ऐसी इसी में से वैल्यू छाँटनी है जो दोनों को डिवाइड करे. तो सबसे पहले हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे. ठीक है, R रोस्टर. देखिए एक का हम एक में भाग देंगे चला जाएगा, एक का हम दो में देंगे तब भी चला जाएगा, एक का हम तीन में देंगे तब भी हो जाएगा, एक का चार में देंगे तब भी हो जाएगा, एक का छः में देंगे तब भी. मीन्स इसका भाग इसमें लगाएंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, सब चला जाएगा. आगे देखो 2 का भाग
चार में देंगे चला जाएगा, धोखा बार छः में देंगे तब भी चला जाएगा, धोखा चार में कि तीन में नहीं जाएगा छः में चला जाएगा। अब देते हैं तीन का भाग किस में जाएगा छः में, ठीक है बेटा। अब तीन का स्वयं से भी चला जाएगा, चार का चार से भी चला जाएगा, और दो का दो से भी हो जाएगा, और छः का छः से भी हो जाएगा। देख लीजिए और कोई डिवाइड हो सकता है क्या? अब संभव नहीं है, ये हो गया, ठीक है। ये कहना था कि पहली संख्या का दूसरी में डिवाइड होना चाहिए और वो संख्याएं इसी में होनी चाहिए, एक आ इसी में, ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या पूछा है? प्रांत, ये पहला पार्ट था, दूसरे में पूछा है बेटा प्रांत। प्रांत प्रांत ये होगा इसी का, तो इसी से मल्टीप्लाई किया है बेटा, और परिसर भी यही होगा, परिसर भी यही होगा क्योंकि एका ऐसे क्रॉस किया है, बस हो गया प्रांत और परिसर, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी ऐसी है, और ये आपको ट्वेल्थ में पहला चैप्टर भी मिलेगा, ठीक है बच्चों, इसे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिक्स वाला है। देखो एक रिलेशन बनाना है एक्स और एक्स प्लस फाइव, पहली वैल्यू एक्स, दूसरी एक्स प्लस पाँच, और जो एक्स है वो बिलोंग किस में करेगा? जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, और पाँच द्वारा परिभाषित है। तो आर का प्रांत और परिसर ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम एक रिलेशन बना लें, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो में पाँच जोड़ेंगे बेटा पाँच होगा, ठीक है। जब हम एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन और फाइव सिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब हम टू रखेंगे तो ये सेवन होगा, और जब थ्री रखेंगे तो एट होगा, और जब हम फोर रखेंगे तो नाइन होगा, और जब हम फाइव रखेंगे तो टेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है। इसमें से वैल्यू रखते जाए यहाँ, और यहाँ दोनों जगह वैल्यू बनती जाएगी। अब इसका पूछा है इसने प्रांत, प्रांत पहली कंडीशन, प्रांत प्रांत क्या है जी? पहले वाले अवयव जीरो एक दो तीन चार पाँच, और परिसर, परिसर क्या है बेटा? परिसर है पाँच छ सात आठ नौ और क्या दस, ये सिंपल परिसर बहुत ही इजी है, छः में हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी से मेथड से है। अब देखिए सात वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है इसमें, एक संबंध आपको बनाना है, आर फॉर रिलेशन या संबंध, एक्स एक्स क्यू सच, एक्स संख्या जो है वह दस से कम, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो एक्स के स्थान पर अभाज्य संख्या रखेंगे, वो दस से कम होनी चाहिए, अभाज्य संख्या है तो पता है अभाज्य संख्या कौन सी होती है दस से कम? दो होती है, तीन होती है, पाँच होती है, सात, ये अभाज्य संख्या होती है दस से कम, अभाज्य संख्या है। अब देखो हम रिलेशन बनाते हैं बेटा, बना जब हम एक्स के स्थान पर दो रखेंगे तो दो का क्यू कितना हो जाएगा आठ, ठीक है, जब तीन रखेंगे तीन का क्यू सत्ताईस, जब हम पाँच रखेंगे तो पाँच का क्यू एक सौ पच्चीस, जब सात रखेंगे तो सात का क्यू तीन सौ तैतालीस, बताओ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, रोस्टर रूप में लिखना था इसका, इसका मतलब ये है जब हमने दो रखा दो का क्यू कर दिया आठ, जब तीन रखा तीन का क्यू सत्ताईस, जब पाँच रखा तो पाँच का एक सौ पच्चीस, सात सात का क्यू तैतालीस, बहुत ही ईजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु ये समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे ही नहीं आप, क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। देखिए ए बराबर
एक्स वाई सेड, और बी बराबर बेटा एक। तो अब इसमें कह रहा है ए से बी के संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। सबसे पहले हम इसमें अवयव कितने हैं बेटा, एम बराबर इसे दे देते हैं 3, इसे एन बराबर 2। तो देखो ए से बी में संबंधों की संख्या इक्वल, सूत्र होता है 2m x n, तो 2 3 × 2 2 की पावर 6, संबंधों की संख्या होगी 2 पे घात 6। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन था। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखा करो, समझ में आया तो, नहीं आया तो। आप लोग कुछ लिखते ही नहीं तो मन ही नहीं लगता है कि वीडियो बनाओ या नहीं, इसलिए लिखा करो कुछ, ठीक है। देखिए एक रिलेशन दिया है आप ए कॉमा बी, ठीक है। ए बी दोनों बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या होता है पूरा मोटर, और ए माइनस बी, इन दोनों का माइनस करेंगे तब भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, पूर्णांक है। अब द्वारा परिभाषित है तो आर का प्रांत परिसर, बहुत सिंपल है। ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में, और ए में से बी जो जा रहा है वो भी एक पूर्णांक बच रहा है, तो क्या हुआ रिलेशन आपका जो प्रांत होगा वो पूर्णांक, क्योंकि ये कह रहा है ए कॉमा बी जेड, ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो इसका प्रांत सीधा सीधा प्रांत क्या होगा, आर का प्रांत हो जाएगा आपका, आर का प्रांत जेड। अरे भाई क्योंकि ए जो पहला अवयव होगा वो जेड होगा, जेड, और आर का परिसर भी जेड ही होगा क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक, सीधा सीधा यही होगा या आंसर इसका, और कुछ नहीं, क्योंकि लिख रहा है ए और बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब पूर्णांक है, तो ए और बी दोनों, तो ए पहला भी होता है तो ए भी पूर्णांक होगा और परिसर भी पूर्णांक होगा। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी आज फिनिश होती है। कल हम न्यू एक्सरसाइज लेके चलेंगे, फलन यानी फंक्शन किसे कहते हैं, तो एक्सरसाइज शुरू हो तब वीडियो देखने में बड़ा ही आनंद आता है, ठीक है। तो आपको मुझे यकीन है ये वाले क्वेश्चन 101% समझ में आ गए होंगे, और आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ ना कुछ आवाज़ आए हैं या नहीं आए तो मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके कल फिर मिलते हैं।